नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का असम ज्ञान में। दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में आपने कई सारी बातें सुनी होंगी और यूएई में मौजूद दवाई के बारे में भी अब तक आपने काफी कुछ सुना होगा। लेकिन दोस्तों यूएई के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि यूएई में कितने देश हैं, अमीरात का मतलब क्या होता है, यूएई में सरकार कैसे बनती है, अरबी भाषा के शब्द अमीरात को साथ लेकर बना शब्द संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया में अपनी एक अलग धाक जमाए है। बता दें कि अमीरात का मतलब होता है रियासत या राज्य और अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण और विकसित देश है और ये यूएई टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है। दुबई और अबू धाबी इसके दो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं और ज्यादातर विदेशी लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने आते हैं। और दोस्तों दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची और फेमस बिल्डिंग है। इसके अलावा यूएई में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कार्यालय भी मौजूद है और यूएई में अक्सर कई नामचीन हस्तियों के प्रोग्राम होने की वजह से भी ये सुर्खियों में रहता है। लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 96% लोग मुस्लिम हैं। हालांकि परंपरागत रूप से रूढ़िवादी और सत्तावादी रहा ये देश, खाड़ी देशों में सबसे उदार देशों में से एक है। और एक मुस्लिम प्रधान देश होने के बावजूद ये काफी तेजी से अपने आप को रूढ़िवादी से आधुनिक देश में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग दुबई, यूएई, अबू धाबी और शारजाह में कन्फ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सभी अलग अलग देश हैं। अगर आपको भी यूएई को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। दोस्तों यूएई का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जिसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं और ये 7 अमीरातों से मिलकर बना एक संघ है। जैसे कि अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना एक संघ है और जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, ठीक ऐसे ही यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना एक देश है। दोस्तों अमीरात एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र या राज्य जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशानुगत तौर पर एक अमीर राज कर रहा हो। अगर हम हिंदी में समझें तो अमीरात का मतलब रियासत होता है और जहाँ पर एक राजा का राज हो। और इसी वजह से यूएई में सभी 7 अमीरातों के प्रधान एक शेख है और जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर राज करती हुई आई है। दोस्तों यूएई में 7 अमीरात हैं, जिसमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजेरा, रास अल खैमा और अल क्वेन मिलकर एक संघ बनाते हैं और जिसे यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने 1971 में यूएई की स्थापना की थी और 2004 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे और अबू धाबी के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को यूएई की फेडरल काउंसिलिंग का अध्यक्ष चुना गया और जब तक मौजूद है। हालांकि जब यूएई की स्थापना हुई तो उस समय यूएई सिर्फ 6 अमीरातों का ही संघ हुआ करता था, लेकिन साल 1972 में रास अल खैमा इस संघ से जुड़ा और तब से यूएई 7 अमीरातों का संघ बन गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूएई, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में क्या अंतर है। यूएई 7 अमीरातों यानी राज्यों से मिलकर बना एक देश है, जबकि दुबई, अबू धाबी और शारजाह एक अमीरात है जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि यूएई में सरकार कैसे बनती है। तो यूएई को 7 अमीरातों से बनी सुप्रीम काउंसिलिंग ऑफ रूलर्स के द्वारा शासित किया जाता है। 7 अमीरातों के शासक यानी कि शेख मिलकर सुप्रीम काउंसिलिंग ऑफ रूलर्स बनाते हैं और जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं। अब क्योंकि ये यूएई 7 अमीरातों का संघ है तो इसी वजह से यहाँ अमेरिका के जैसे ही सभी अमीरातों के अपने अपने नियम और कानून हैं और साथ ही साथ इन सभी अमीरातों के अपने अपने झंडे भी हैं। हालांकि यूएई का भी अपना एक अलग झंडा है और जिसे सभी अमीरात या राज्य मानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उसी के अंतर्गत काम भी करते हैं और इन सभी अमीरातों को नियम कानून बनाने और प्रशासन की पूरी आज़ादी है। दोस्तों अगर समुदाय की बात की जाए तो यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। यहाँ 27.8% भारतीय रहते हैं, 12% अमीराती, करीब 10.5% पाकिस्तानी, 9.5% बांग्लादेशी, 6.1% फिलिस्तीनी और 4.76% ईरानी और 4.23% मिस्र के लोग और 2.2% चीनी और करीब 14% दूसरे देशों के लोग रहते हैं। यहाँ के अमीरातों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अमीरात दुबई है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है और अल क्वेन यहाँ का सबसे छोटा अमीरात है। हालांकि दोस्तों सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ये दोनों ही अलग अलग देश हैं और इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।